हेलो स्पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं, यार अब बहुत कम टाइम बच गया है एग्जाम के अंदर। आप सबको पता होगा डेट जो है वो 5 मई है आपकी नीट की एग्जाम की, और टाइम जो बहुत कम बचा है। क्या टाइम अपने पास में? दिसंबर से अप्रैल का टाइम है, ठीक है। मई में तो पहले ही एग्जाम है ना, तो 5 महीने हैं जी, ठीक है। उसमें से भी 2-3 दिन कम कर लो, ठीक है। 5 महीनों में क्या आप अपनी जो तैयारी है वो सीरियसली करना चाहते या नहीं करना चाहते, वो आप पर डिपेंड करता है। देखो, अब तक आपने अगर पूरी साल पढ़ाई की है तो आप तो एज पे हो, वो तो बात है ही, ठीक है। आप आगे निकल चुके हो, वो बात सही है। इसमें तो कोई है ही नहीं कि भैया वो जो पूरी साल पढ़ा है वो पागल है और आप 5 महीनों पढ़ लोगे तो आप बहुत आगे निकल जाओगे, ठीक है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और इन 5 महीनों में आप सीरियस पढ़ सकते हो तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, इतनी बात सही है। लेकिन ये 5 महीने आपको फिर पूरी डेडिकेशन के साथ में और पूरे डिसिप्लिन के साथ में करने होंगे। अब लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पूरी साल पढ़ा है, ठीक है, उसको आप पीछे छोड़ दोगे, नहीं। वो तो अगर वो अब नहीं पढ़ेगा तो उसको छोड़ दोगे, लेकिन अगर वो कंटिन्यूअसली वैसे ही पढ़ते जा रहा है तो उसको तो कैसे छोड़ पाओगे, है ना। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर मैं आपको ये कह दूं कि भाई 5 महीने पढ़ के आप पीछे उसको पीछे छोड़ सकते हो, नहीं यार, वो तो पढ़ रहा है ना, वो तो पहले से मेहनत कर रहा है। तो बात सिंपल सी ये है कि दिसंबर से अप्रैल तक अगर आप सीरियसली पढ़ते हो तो क्या सिलेक्शन हो सकता है? तो आंसर जो सिंपल है वो हाँ है, ठीक है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा? आपको करना क्या होगा? तैयारी करनी होगी। कैसे करनी होगी अभी थोड़ी सी उसकी बात करते हैं। मैं मान के चलता हूं, दो कंडीशंस लेते हैं। एक कंडीशन ये है कि आपको कुछ नहीं आता अभी तक, आपने जीरो पर मान लेते हैं, अभी तक आप कहां पर हो? बिल्कुल जीरो पे हो। और दूसरी मैं कंडीशन ले लेता हूं कि आप कहां पे हो, आपने पढ़ तो रखा है, मान लेते हैं अपन 40-50% आपकी तैयारी जो है वो डन है, ठीक बात है। तो मैं आपको देखो सिंपल बात बताऊंगा, जिसने 40-50% तैयारी कर रखी है ना, थोड़ा बहुत जिसने पढ़ रखा है, उसके लिए चीजें आसान हो जाएंगी अगर वो तैयारी जो है अब पूरी डेडिकेशन के साथ में कर दे, ठीक है। लेकिन अब भी अगर वो इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करेगा तो फिर तो दिक्कत में आ जाएगा, ठीक है। बात करते हैं जो भी जीरो पे है। देखो, आप में से मैं आपको सीधी बात बताऊं, अगर आप नीट की तैयारी के बल ये बात कर रहे हो ना, अब आप देख रहे हो कि वीडियो तो आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा हुआ है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप बिल्कुल जीरो पे हो, कुछ ना कुछ आपने पढ़ा हुआ है। बस आपको बस करना क्या है, अब जो है आपको सीरियसली पढ़ना है। बाकी आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा हुआ है, क्योंकि आपने 11वीं की है, 12वीं की है, ठीक है। अगर आप 11वीं में हो तो आप तो देख क्यों रहे हो, ठीक है, 12वीं में तभी देख रहे हो, तो 11वीं आपने पढ़ रखी है। तो मतलब जीरो पे तो आप नहीं हो, आपको लग रहा है आप जीरो पे, लेकिन कुछ तो आपने पढ़ा हुआ है। तो बात सिंपल सी है, अगर आप 5 महीनों में, ये जो 5 महीने हैं, ये जो 5 मंथ्स हैं, इनमें आप बढ़िया से तैयारी करोगे तो आपको हो सकता है, ठीक बात है। अब मैं बात करता हूं कि कैसे क्या पढ़ना है आपको। देखो, बायोलॉजी जो है आप उसको इग्नोर नहीं करोगे, बायोलॉजी को आपको पढ़ना है, क्योंकि 50% जो वेटेज है ना वो बायोलॉजी का ही है, ठीक है। जिसको अपन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि यार बायोलॉजी तो हमें आती है। और मैं आपको सबसे बताऊं क्या, जो बायोलॉजी पर भरोसा करके जाते हैं ना, उनके साथ में बहुत बड़ा नुकसान होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो जो है बायोलॉजी को तो फॉर ग्रांटेड लेके रखते हैं कि बायोलॉजी तो हमें आती है, और वो जो क्वेश्चन जो है गलत होते हैं, बायोलॉजी के ही गलत करके आते हैं। तो इसलिए बायोलॉजी को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना यार, है ना, बायोलॉजी को सीरियसली पढ़ना है, ठीक है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। फिर बात करें केमिस्ट्री फिजिक्स की, ठीक है। तो पहले भाई केमिस्ट्री पर थोड़ा सा फोकस करो, उस पर उसको बढ़िया से करो। ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वो थोड़ा सा आसान पोर्शन बन जाता है, ठीक है, थोड़ा सा याद करने का रहता है, लेकिन उनको पढ़ना पड़ेगा आपको। वही मैं बात करूं फिजिकल केमिस्ट्री, तो वो भी आपको करनी पड़ेगी। फिजिक्स की बात करूं तो फिर वो अपन बात करते हैं कि आपको कितने मार्क्स में लाने चाहिए, है ना, फिजिक्स में आपको कितने मार्क्स चाहिए। भाई 180 में से 180 तो अब तो नहीं ला पाओगे, ठीक है। आप सिर्फ 5 महीने में पढ़ के 180 में से 180 लाना चाहते हो तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यार, है ना। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, अब आपको डेडिकेशन के साथ में तैयारी की तरीका बता देता हूं। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा वीडियो का, जिसमें मैंने आपको टाइम टेबल की बात करी है, 9 घंटे का वो टाइम टेबल है, उसको आप ध्यान से देखना। बायोलॉजी की बात करते हैं। करना क्या है आपको बायोलॉजी में? सबसे पहले आपको लेक्चर्स जहां से भी आप कर रहे हो वहां से कर लो, ठीक है। अभी आप ये मत सोचो यार टाइम नहीं है लेक्चर्स का, ये वो, अरे नहीं, टाइम है, अभी पूरे दिन बैठो ना यार, लेक्चर्स लो, फिर उसके बाद में एनसीईआरटी को पढ़ना है आपको। और पढ़ना ही नहीं है, उसको समझना है यार, और समझ में वो तभी आएगी जब आप लेक्चर देख के एनसीईआरटी को पढ़ोगे, तभी वो समझ में आएगी। वरना आप डायरेक्ट एनसीईआरटी बैठ जाओगे ना तो फिर तो वो पहले नहीं पढ़ने वाली है। तो एनसीईआरटी को पूरा फोकस करना है, क्योंकि पेपर यार वो एनसीईआरटी से ही दे रहा है, ठीक बात है। एक्स्ट्रा नहीं जाना, बिल्कुल एनसीईआरटी ओरिएंटेड पढ़ो,
ठीक बात है। वहीं मैं बात करूं हिंदी मीडियम की, अगर मैं बात कर लेता हूं हिंदी मीडियम की, तो हिंदी मीडियम के लिए एनसीईआरटी रीडिंग का जो है पूरा प्रॉपर जो है वन शॉट वीडियो चल रही है, जिनमें मैं डिटेल में आपको एनसीईआरटी रीडिंग करवा रहा हूं। तो इसी चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाके वो वीडियो जरूर से देखना, ठीक बात है। चलो फिर आते हैं अपन बायोलॉजी की, फिर आपको करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्या करनी है? क्वेश्चन प्रैक्टिस। पढ़ लिया, जब आपने लेक्चर ले लिए, एनसीईआरटी रीडिंग कर ली, अब क्या आता है? क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात आती है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इसी चैनल पे आपको एक वीडियो मिलेगी, क्या? बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज के बारे में। तो वो टेस्ट सीरीज आपको कहां मिलेगी? फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री है। बढ़िया क्वेश्चन होंगे, हिंदी में भी होंगे, इंग्लिश में भी होंगे, दोनों मीडियम्स के लिए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है ऐप का, डाउनलोड कर लेना। कुछ नहीं समझ में तो चैट का ऑप्शन है ऐप पे, वहां पर चैट करके पूछ लेना, ठीक है। 7 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है टेस्ट सीरीज, तो प्रॉपर से ज्वाइन करना और आपको शेड्यूल मिल जाएगा। उस शेड्यूल में आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करो, हर एक चैप्टर का टेस्ट होगा तो बढ़िया से आपकी तैयारी हो जाएगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस की आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक बात है। और होपफुली जल्दी अपन लाइव सेशन में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, ठीक बात है। फिर आ जाते हैं केमिस्ट्री पे, आ जाओ केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं, केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो यार देखो दोस्त, केमिस्ट्री को आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, केमिस्ट्री को टाइम देना पड़ेगा। केमिस्ट्री के वही है, लेक्चर्स कर लो, लेक्चर्स कर लो। क्या इसमें एनसीईआरटी की जरूरत पड़ेगी, एनसीईआरटी रीडिंग की? बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। कहां पर? इनऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है ना, वहां पर आपको एनसीईआरटी की जरूरत पड़ेगी। ऑर्गेनिक में इतना मेरे ख्याल से नहीं पड़ेगी आपको एनसीईआरटी, इनऑर्गेनिक की पढ़ लेना, ऑर्गेनिक फिजिकल की रहने देना। वहां पर आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लेना, क्वेश्चन समझ लेना, और जो एग्जाम्पल्स दे रखे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार एनसीईआरटी के। बहुत बार ऐसा हुआ है कि डायरेक्ट एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ गया है एनसीईआरटी का, ठीक है, तो वो एग्जाम्पल्स जरूर से सोल्व कर लेना। बीच बीच में क्वेश्चन दे रखे एनसीईआरटी में, खोल के देखना कभी, तो बीच में चैप्टर के बीच में क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन सोल्व कर लेना। बाकी इनऑर्गेनिक की एक बार एनसीईआरटी देख लेना, ठीक है। चलो तो केमिस्ट्री का ये हो गया, केमिस्ट्री की फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करें, उस पे भी आ जाते हैं। केमिस्ट्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करें तो उसके लिए भी टेस्ट चल रहे हैं। कहां पर? डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दे रखा है। बायोलॉजी वाले जो टेस्ट होंगे वो होंगे भैया आपका थर्सडे को, ठीक है, गुरुवार को टेस्ट होगा, और वही मैं बात करूं हर गुरुवार को, और वही मैं बात करूं केमिस्ट्री के, तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों के कंबाइंड होंगे हर संडे को, ठीक है। तो संडे और थर्सडे दो दिन अपना टेस्ट का रहता है, तो आप ऐप पे जरूर से जाओ, उसको डाउनलोड करो और देखो, ठीक बात है। चलो तो ये अपन ने, मैंने आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री का बता दिया। बात करूं मैं फिजिक्स की, फिजिक्स की मैं बात करूं तो भैया जहां से भी आप पढ़ रहे हो, जहां से भी पढ़ रहे हो, ठीक है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री का मैं एक बार बता दूं, इसी चैनल पर आपको वन शॉट वीडियोज भी मिलेंगी, वन शॉट वीडियोज में मिलेंगे अभी आपको, है ना, लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पे, और वन शॉट वीडियोज जिसमें डिटेल वन शॉट होगी वो भी आपको मिलने वाले हैं। फिजिक्स की बात करते हैं, फिजिक्स यार 180 में से 180 लाने वाला टाइम अभी नहीं रहा है, बहुत वास्ट सिलेबस है फिजिक्स का, बड़ा सिलेबस है, तो इतना कर लो, हाई वेटेज वाले टॉपिक्स उठाओ पहले, उनको कवर करो सबसे पहले, उन्हीं टॉपिक्स उठाओ हाई वेटेज वाले सबसे पहले, तो यार बेसिक्स क्लियर करो, अगर आपके बेसिक्स नहीं है ना तो एक बार बेसिक्स पढ़ लो, ठीक है, उसके बाद में हाई वेटेज वाले जो टॉपिक है उनको पढ़ो, उनको बढ़िया से समझो, उन पर क्वेश्चंस लगाओ, उसके बाद में जो है लो जो वेटेज वाले हैं उन पर करो। पिछले ट्रेंड्स के हिसाब से आपको वीडियोस मिल जाएंगी, या फिर आप मेरे कमेंट में करोगे तो मैं आपको वीडियोस बना दूंगा कि भाई कौन से टॉपिक जो है वो हाई वेटेज वाले हैं, कमेंट कर देना, मैं आपको वीडियो बना दूंगा उस पर प्रॉपर, है ना। तो पहले वो वाला जो टॉपिक्स है ना वो उठाओ और उनको समझो बढ़िया से, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, यार पहले अभी वो टाइम नहीं रहा, तो पहले अपने आप एक बार वो कर लो कि आपके हाई वेटेज वाले आ जाए, फिर आगे टाइम रहेगा तो फिर आप जो है लो जो वेटेज वाले जो चैप्टर्स हैं उनको भी क्लियर करो। इस हिसाब से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पर आपको ध्यान देना है, और वही मैं बात करूं टेस्ट पे आपको जरूर से ध्यान देना है, टेस्ट नहीं दोगे तो दिक्कत में आ जाओगे, ठीक बात है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी जरूरी है, समझ में आई? अभी भी मैं आपको यह बात कह रहा हूं कि अगर आप आज से स्टार्ट करते हो तो आपको बढ़िया एक अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन अगर आप सोचते हो कि भैया ये वीडियो तो हमें जनवरी में मिल जाएगी, जनवरी में भी आपको ये वीडियो मिलेगी ऐसी कि जनवरी से अप्रैल में कैसे तैयारी करें, ठीक है, वो भी मिल जाएगी, लेकिन आप भी खुद भी जानते हो ना, लॉजिकल समझो यार, है ना, कि वो वीडियो आपको मिल जाएगी लेकिन आपको पता है कि टाइम, नीट की तैयारी कर रहे हो आप, टाइम की तो कमी आएगी ना, है ना, टाइम की कमी आएगी, तो आज से ही स्टार्ट कर दो, ये 5 महीने की बात है, तैयारी कर लोगे, कॉलेज मिल जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा, वरना फिर आपको पता है कि कैसे कैसे ताने मिलते हैं, ठीक बात है। आस पड़ोस वाले भी मजे लेंगे, रिश्तेदार भी मजे लेंगे, दोस्त भी मजे लेंगे, तो ठीक है, तो बढ़िया से तैयारी करो। कमेंट सेक्शन में अगर आपको ये लगता है कि भैया हम आज से ही तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि भैया आज से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, हम तैयारी कंटिन्यू करेंगे अप्रैल तक। और अगर आपको इच्छा है कि नहीं अभी वो समय नहीं आया तैयारी करने का, तो कोई बात नहीं, जनवरी में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा ऐसी ही, तो वो देख लेना। चलो वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, बाकी मिलते हैं लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।